नमस्कार सभी को, मैं सौरभ आहार ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। रबी सीज़न कुछ ही दिनों में चालू होने वाली है और रबी सीज़न में सबसे ज़्यादा लगाए जाने वाली फसल है गेहूँ। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी गेहूँ की वैरायटी बताने जा रहा हूँ जिससे आपको इस बार बम्पर प्रॉफिट हो सकता है। तो आइए चलते हैं हमारी टॉप 3 वैरायटी की ओर। तो तीसरे नंबर पे आती है कर्णवन्ना DBW 187। ये वैरायटी इसकी बीमारी ना लगने की वजह से काफ़ी फेमस है। बात करें इसके बीज दर की तो ये 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लगेगा। ये वैरायटी 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी हाइट 100 सेंटीमीटर तक होती है। इससे गेहूं गिरने की समस्या ना के बराबर हो जाती है और इस वैरायटी में आपको 3 बार तक पानी देना होगा। और बात करें इसके उत्पादन की तो वो 26 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ होता है। इस वैरायटी को आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार और पश्चिम बंगाल में लगा सकते हैं। तो अब आते हैं हमारे दूसरी नंबर की वैरायटी पे। दूसरे नंबर पे आती है श्रीराम की सुपर 303। इसके बीज दर की बात करें तो ये 1 एकड़ में 40 किलो लगती है और यह वैरायटी 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी हाइट लगभग 90 सेंटीमीटर के आसपास होती है तो इसमें गिरने की समस्या भी नहीं आती है। अब बात करें इसके उत्पादन की तो ये 26 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ हो सकता है और इसको पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे इलाकों में लगाना बेहतर होता है। और अब पहले नंबर पर जो वैरायटी आती है वह है कर्ण नरेंद्र DBW 222। बात करें इसके बीज दर की तो वो 40 से 45 केजी प्रति एकड़ होती है और यह वैरायटी 140 से 142 दिन में पककर तैयार होती है और इस वैरायटी में रोग भी ना के बराबर ही लगता है। इस वैरायटी में आपको सिर्फ यही ड्रॉबैक मिलता है कि आपको इसमें 3 से 4 बार तक पानी लगाना पड़ सकता है। और अब बात करें इसके उत्पादन की तो वो है 25 से 27 क्विंटल प्रति एकड़ और यह वैरायटी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, आसाम और पश्चिम बंगाल में लगानी चाहिए। तो दोस्तों, जाने से पहले एक ज़रूरी बात बता दूं, अगर आप पिछाद बुआई करते हैं तो आपको बीज दर 45 से 50 किलो तक लगेगी। तो फिर मिलते हैं फिर ऐसी किसी एक वीडियो के साथ।